केंद्र सरकार ने दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं और खाद्य पदार्थों पर आयात शुल्क समाप्त कर दिया। ये छूट व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित विशेष चिकित्सा उद्देश्यों के लिए सभी दवाओं और भोजन पर मिलेगी। आयात शुल्क में ये छूट आज से लागू हो जाएगी। सरकार के इस फैसले का दुर्लभ बीमारी से पीड़ित परिवारों ने स्वागत किया है। पेश है ये खास रिपोर्ट। इलाज की उम्मीद छोड़ चुके इन परिवारों के लिए सरकार का एक फैसला एक बड़ी राहत बनकर आई है। इन मासूमों के चेहरे पर जीवन की उम्मीद जगी है। ये बच्चे एक दुर्लभ बीमारी से ग्रस्त है। पहले ये बच्चे दूसरे बच्चों की तरह चलते थे, स्कूल जाते थे, लेकिन बीमारी ने इस कदर जकड़ा कि अब स्कूल के साथ खुद से चलने की शक्ति भी छोड़ चुके हैं। माँ बाप इलाज के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इलाज इतना महंगा है कि बच्चों का इलाज कराना सबके बूते की बात नहीं है। लेकिन दुर्लभ और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे इन बच्चों और इनके जैसे दूसरे परिवारों के लिए गुरुवार को बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले दवाओं और खाद्य पदार्थों पर आयात शुल्क समाप्त कर दिया है। यह छूट व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित विशेष चिकित्सा उद्देश्यों के लिए सभी दवाओं और भोजन पर मिलेगी। आयात शुल्क में छूट 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएगी। सरकार के इस फैसले का दुर्लभ बीमारी से पीड़ित परिवारों ने स्वागत किया है। सरकार ने जो कदम उठाया बहुत अच्छा कदम उठाया ये हमारे लिए तो, पर इससे सर हमारा काम नहीं चलेगा से हमारा, क्योंकि दवाई बहुत कॉस्टली है वो। गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो डिसीजन अभी लिया है कस्टम ड्यूटी वेवर का रेयर डिजीज पेशेंट्स के लिए, ये काबिले तारीफ है। और मैं खुद एक पेरेंट हूँ, मेरा बेटा डीएमडी से ग्रसित है। आज की रेट में इसके लिए कोई दवाई अवेलेबल नहीं है। कुछ दवाइयां कुछ बच्चों के लिए मिलती है, बहुत महंगी आती है जो, और कस्टम ड्यूटी जो 10% या 5% की है वो काफी क्रिटिकल है। तो गवर्नमेंट का जो डिसीजन है ये काबिले तारीफ है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ बाकी जो दवाइयां आएंगी वो भी हेल्पफुल होंगी। जो डीएमडी बीमारी से पीड़ित है उनके इलाज के लिए जो आपने दवाइयों के लिए जो राहत दी है, ये राहत इन माँ बाप के लिए बहुत बड़ी राहत है। आमतौर पर दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली दवाइयाँ काफी महंगी होती है। इस संबंध में बड़ा फैसला करते हुए सरकार ने नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज 2021 के तहत लिस्टेड दुर्लभ बीमारियों के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली दवाइयों की कस्टम ड्यूटी को फ्री कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करके इसकी सूचना दी है। सरकार ने कैंसर के विभिन्न रूपों के उपचार में इस्तेमाल होने वाले पेम्ब्रोलिजुमाब को भी सीमा शुल्क से छूट दे दी है। दवाओं पर आमतौर पर 10% सीमा शुल्क लगता है, जबकि जीवन रक्षक दवाओं की कुछ श्रेणियों पर 5% सीमा शुल्क लगता है। छूट का लाभ उठाने के लिए अगर कोई खुद से आयात करता है तो उसे प्रमाण पत्र दिखाना होगा। यह प्रमाण पत्र केंद्रीय या राज्य निदेशक स्वास्थ्य सेवा या जिले के जिला चिकित्सा अधिकारी सिविल सर्जन से लेना होगा। हालांकि स्पाइन मस्कुलर एंट्रोफी या डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी की दवाओं पर पहले से ही छूट है। एक अनुमान के अनुसार 10 किलो वजन वाले बच्चे को अगर कोई दुर्लभ बीमारी है तो इसके इलाज की वार्षिक लागत 10 लाख से 1 करोड़ से अधिक हो सकती है। उपचार को आजीवन चलाने की भी जरूरत हो सकती है, जिसके चलते दवा की लागत बहुत अधिक हो जाती है। कस्टम ड्यूटी फ्री होने से दवाइयों के दाम में कमी आएगी, जिसका सीधा लाभ रोगी के इलाज में खर्च होने वाली राशि को कम करने में मिल सकेगा।